ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, जो नागपुर का पहला और एकमात्र NABH द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल है। देश के पहले 50 अस्पतालों में से NABH द्वारा पुनः प्रमाणित ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल है। गत 25 से अधिक सालों से मध्य भारत का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में यह अस्पताल प्रसिद्ध है। सभी कैशलेस इंश्योरेंस सेवाएं, साथ ही सभी प्रकार की कॉरपोरेट सेवाएं भी उपलब्ध है। इस अस्पताल में महाराष्ट्र शासन की महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत क्रिटिकल सर्जरी का मुफ्त इलाज भी किया जाता है। इसी प्रकार से हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, ट्रॉमा, बर्न केसेस, कार्डियोलॉजी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज, न्यूरो सर्जरीज, पेडियाट्रिक सर्जरीज, यूरोलॉजी जैसे और भी क्रिटिकल केयर यूनिट है। इसके अलावा यह अस्पताल रेडियोलॉजी, एम्बुलेंस, फार्मेसी, आपातकालीन सेवाएं भी 24/7 प्रदान करता है। तेज गति से दोपहिया वाहन चलाने के मुद्दे पर बहस करते समय 3 आरोपियों ने एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी और उसके सहयोगी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना बेलतरोडी पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर हुई है। 3 दिनों में यह तीसरी हत्या है। बेलतरोडी पुलिस स्टेशन की हद में हत्या की घटना सामने आई है। मृतक का नाम बेलतरोडी कैगाड़े नगर निवासी दिलीप बलराम साहू है, तो वही उसका साथी पीयूष बंधु जी सुनटके घायल है। रविवार की रात लगभग 11:30 बजे दिलीप व्हाइट हाउस बिल्डिंग के किनारे वाले रास्ते पर पीयूष को अपने पीछे गाड़ी में बैठा कर जा रहा था। तभी गणेश बबला साहू, पीयूष सुंदर लीलारी और आकाश सुदामा लीलारी ने उसे रोका और तीनों ने दिलीप से गाली गलौज करते हुए कहा कि वह इतनी तेज बाइक क्यों चला रहा है। तीनों ने दोनों को बुरी तरह पीटा और चाकू से कोतारा। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और इसी बीच दिलीप की मौत हो गई। पुलिस स्टेशन बेलतरुड़ी या ठिकाणी कैकाडी नगर आहे। कैकाडी नगर हा स्लम एरिया आहे, ते झोपडपट्टी एरिया आहे। यामध्ये दिलीप शाहू जो मृतक आहे हा गाडी घेऊन गेलेला होता, फास्ट चालवत होता। त्यावरून त्याला आरोपी आकाश लिल्लारे, पीयूष लिल्लारे आणि गणेश शाहू यांनी हटकले आणि दोघांमध्ये वादविवाद झाला। आणि यामध्ये दिलीप शाहू याला तिथे असलेले दगड गोटे आणि काही शस्त्राने मारहाण झाली असं आम्हाला माहिती मिळाली। आम्ही तात्काळ घटनास्थळावर गेलो आणि दिलीप शाहू याला तात्काळ GMC हॉस्पिटलला ॲडमिट केले। त्याचबरोबर त्याचा एक जो दुसरा गाडी चालक होता पीयूष सोनटके यालासुद्धा आम्ही हॉस्पिटलला ॲडमिट केलेले आहे। यामध्ये 3 आरोपी आहेत, तिन्ही आरोपी आम्ही अटक केलेले आहेत आणि यामध्ये 307 आणि 302 याप्रमाणे काउंटर गुन्हे दाखल केलेले आहेत आणि सर्व आरोपी अरेस्ट केलेले आहेत। याचबरोबर यांचा कौटुंबिक सुद्धा वाद असल्याचे आता निष्पन्न झालेले आहे, कारण या आरोपीमध्ये त्याचा साळा जावायाचा जो मृतक आहे दिलीप शाहू त्याचा साळा जो आहे गणेश शाहू हा सुद्धा आरोपी म्हणून इन्वॉल्व आहे। तर हा घरगुती पण साळा आणि जावाई यामधून वाद झालेला आहे व यामध्ये दिलीप शाहू हा मृतक पावलेला असून बाकी सर्व आरोपी अरेस्ट आहेत आणि काउंटर गुन्हा दाखल आहे, तपास सुरू आहे। यामध्ये जे 3 आरोपी अरेस्ट केलेले आहेत 302 यांचं काही रिकॉर्ड नाही आहे आणि बाकी जे 307 आरोपी अरेस्ट केलेले आहेत त्यांचे काही रेकॉर्ड्स मिळून येत आहेत। रामटेके नगर अजनी विभागातले आहेत, तरी त्यामध्ये तपास सुरू आहे। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। जख्मियों को मेडिकल अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने दिलीप को मृत घोषित कर दिया, जबकि पीयूष का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि नागपुर में 3 दिन में यह तीसरी हत्या की घटना है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश शुंकलवा की रिपोर्ट।